जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवन्नी भक्तिरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्तिरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से कलवद प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमयी हो। तो चंद्रवन्नी भक्तिरस चैनल के माध्यम से जो आज का हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा 29 अगस्त 2023 यानी कि मंगलवार का दिन कैसा रहेगा मेष राशि से लेके मीन राशि के जातकों के लिए और बात करेंगे दैनिक पंचांग की। तो आप सभी लोग जो हैं वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो अब ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं 29 अगस्त 2023 मंगलवार के दैनिक राशिफल और दैनिक पंचांग शुभ अशुभ मुहूर्त की। तो सर्वप्रथम बात करते हैं दैनिक पंचांग की। तो 29 अगस्त 2023 जो है मंगलवार का दिन होगा, विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945 और चंद्रमा से जो है श्रावण मास और सूर्य भगवान से जो है भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि रहेगी और श्रवण नक्षत्र होगा तैतिल करण होगा, शुक्ल पक्ष मंगलवार और शोभन नाम का योग होगा। बात करते हैं सूर्य उदय की। तो सूर्य भगवान उदय होंगे प्रातःकालीन 6:01 पे और सूर्य भगवान अस्त होंगे सायंकालीन 6:42 पे। चंद्रमा जो है मकर राशि में दिन भर संचार करेंगे। अब बात करते हैं अशुभ मुहूर्त की यानी कि राहु काल की। तो 29 अगस्त 2023 को राहु काल जो है 3:32 से लेकर के और 5:07 तक रहेगा। तो सायंकालीन जो है तो इस राहु काल में कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य, जिस कार्य से आपको अधिक समय तक लाभान्वित होना है उस कार्य को आपको इस राहु काल में नहीं करना है। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त यानी कि शुभ मुहूर्त की। तो 29 अगस्त 2023 यानी कि मंगलवार को शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त जो है दिन में जो है 11:56 से लेकर के और मध्यकाल दोपहर 12:47 तक रहेगा। तो इस अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं, जिस कार्य से आपको अधिक समय तक लाभान्वित होना है उस कार्य को आप अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं दैनिक राशिफल की। तो सर्वप्रथम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए कि कैसा रहेगा 29 अगस्त 2023 मंगलवार का दिन आपके लिए। तो जितने भी मेष राशि के जातक हैं मानसिक शांति आपको रहेगी परंतु धैर्यशीलता में आज कुछ कमी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आज आपको ध्यान रखना होगा। रहन सहन थोड़ा सा अव्यवस्थित आज आपका रहेगा। कारोबार की स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है और धर्म के प्रति आज आप श्रद्धावान रहेंगे। नौकरी में स्थान परिवर्तन की भी आज संभावना बन रही है और आज अवसरों का संयोग भी आपको मिलेगा। वाहन सुख में भी वृद्धि के योग दिख रहे हैं। मित्रों के साथ जो है यात्रा देशाटन के लिए भी आज आप जा सकते हैं। आशा निराशा के मिले जुले जो भाव है आज आपके मन में रहेंगे। सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और कार्यों के प्रति जोश और उत्साह आज बना रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए 29 अगस्त 2023 मंगलवार का दिन कैसा रहेगा। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं आत्मसंयमित आज आपको रहना है। धैर्यशीलता भी बनाए रखने का आज आपको प्रयास करना है। स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नौकरी में कार्य क्षेत्र में बदलाव की संभावना आज आपके लिए बन रही है। आज थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। सेहत का ध्यान आपको आज रखना है। आत्मविश्वास में भी कुछ कमी रहेगी और आज आपके खर्चे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उपहार में वस्त्र के स्वरूप में कुछ आज आपको वस्त्र के रूप में कुछ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। धैर्यशीलता में आज आपकी कमी आ रही है। किसी मित्र का आगमन भी आज आपके घर पे हो सकता है। क्रोध से आज आपको बचने का प्रयास करना है। वाहन सुख की आज आपको प्राप्ति होते हुए दिख रही है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 29 अगस्त 2023 यानी कि मंगलवार का दिन। तो जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं मन में जो है आज नकारात्मकता का प्रभाव हो सकता है। आय में कमी और खर्च आज आपके अधिक होते हुए दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी परिश्रम आज आपको अधिक करना पड़ेगा। आज क्रोध से आपको बचा रहना है। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। रहन सहन थोड़ा सा आज आपका अव्यवस्थित
हो सकता है। धार्मिक संगीत के प्रति भी आज आपका रुझान बढ़ेगा। किसी मित्र का आगमन आज आपके घर में हो सकता है। पिता को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। सम्मान की आज आपको प्राप्ति होगी। कारोबार में अनुकूल परिस्थितियां आज होंगी। लाभ के अवसर आज आपको जरूर मिलेंगे, परंतु आज थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 29 अगस्त 2023 मंगलवार का दिन। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, आत्मविश्वास में आज वृद्धि होगी, परंतु जो है आज मानसिक रूप से आज आप परेशान रहेंगे। कारोबार में आज आपको लाभ जरूर मिलेगा, भागदौड़ आज आपको थोड़ा सा अधिक करनी पड़ेगी। लाभ के अवसर आज आपको मिलेंगे। किसी मित्र का सहयोग आज आपको मिल सकता है। मन थोड़ा सा आज आपका व्यथित हो सकता है, परेशान रह सकता है। जीवन साथी का भी साथ आज आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। वाहन के रख रखाव में थोड़ा सा आज आपके खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आज एक क्षण में रुष्ट और एक क्षण में तुष्ट, यानी कि एक क्षण में क्रोधित एक क्षण में शांत हो सकते हैं, ऐसी मन स्थिति आपकी रहेगी। नौकरी में किसी यात्रा पर आज आपको जाना पड़ सकता है, खर्च आज आपके अधिक होंगे। परिवार का संयोग भी मिलेगा, धन की स्थिति में जो है सुधार होता हुआ दिख रहा है और शिक्षा के कार्यों में आज आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए 29 अगस्त 2023 यानी के मंगलवार का दिन कैसा रहेगा। तो जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, शिक्षा के कार्यों पर आज आपको ध्यान देना है। घर परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भागदौड़ आज आपकी अधिक रहेगी। रहन सहन थोड़ा सा अव्यवस्थित आपका होता हुआ दिख रहा है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। मन में शांति एवं प्रसन्नता के भाव आज रह सकते हैं। भवन सुख की भी आज आपको प्राप्ति होगी। पिता से जो है धन की प्राप्ति होते हुए दिख रही है। आत्मविश्वास थोड़ा सा आज आपका कम रहेगा और आज स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। परिवार की समस्याएं अभी आपकी बनी रहेंगे। कारोबार में लाभ बढ़ सकता है, परंतु आज जो है एक क्षण में जो है शांत और एक क्षण में क्रोध भी आ सकता है, ऐसी आपकी मानसिकता रह सकती है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 29 अगस्त 2023 मंगलवार का दिन। तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आशा निराशा के भाव आज मन में आते हुए दिख रहे हैं और परिवार की जिम्मेदारियां भी आज आपकी बढ़ेंगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बन रही हैं। कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। आज जो है थोड़ा सा क्रोध और एक क्षण में शांत की स्थिति, ऐसी मन स्थिति रहेगी। कारोबार में किसी मित्र का सहयोग आज आपको मिलेगा। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मन आज आपका अशांत रहेगा। आत्मविश्वास में भी कमी रहेगी। संतान को कष्ट आज हो सकता है और जो आपका संचित धन है, जमा पूंजी है, उसमें कुछ आज कमी आएगी। स्वास्थ्य का आपको रखना होगा ध्यान। जीवन साथी से कुछ नोकझोंक आज आपकी होते हुए दिख रही है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 29 अगस्त 2023 मंगलवार का दिन। तो जितने भी तुला राशि के जातक हैं, मानसिक शांति आज रहेगी, परंतु आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। माता पिता का आज आपको सानिध्य मिलेगा। वाहन के रख रखाव में जो है वाहन के रख रखाव एवं वस्त्रों पर जो है खर्चे आज आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कारोबार का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कुछ कठिनाइयां भी आ सकती हैं। परिवार का साथ आज आपको मिलेगा। शिक्षा के कार्यों के लिए यात्रा पर जाना पड़ सकता है। धैर्यशीलता में वृद्धि होगी। परिवार में जो है मान सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है। मन में जो है विपरीत विचारों के प्रभाव आज आते हुए दिख रहे हैं, तो उनसे आपको बचना है। खर्चों में वृद्धि होगी। परिवार के साथ जो है किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर भी आज आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 29 अगस्त 2023 यानी कि मंगलवार का दिन। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, बातचीत में आज थोड़ा सा आप संतुलित रहेंगे। किसी पुराने मित्र से पुनः आज आपका संपर्क होगा। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। वस्त्र जो है उपहार के तौर पे प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। मन में आज उतार चढ़ाव रहेगा। नौकरी में किसी दूसरे स्थान पर आपको जाना पड़ सकता है। सेहत का थोड़ा सा आपको रखना है ध्यान। आज जो है किसी अज्ञात भय से जो है आप परेशान हो सकते हैं। आज सुस्वादु खान पान की तरफ भी आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी मित्र के संयोग से आज जो है धनार्जन के योग आपके बन रहे हैं। धनार्जन हो सकता है। आज आपका धनार्जन के लिए यानी कि धन के अर्जन के लिए अच्छा दिन है। बात करते हैं धनुराशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 29 अगस्त 2023 मंगलवार का दिन। तो जितने भी धनुराशि के जातक हैं, संयमित आज आप रहेंगे। व्यर्थ के क्रोध से आज आपको बचना है। शिक्षा के कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं।
आज सचेत रहने की आपको आवश्यकता होगी, आपको सचेत रहना है। माता पिता का आपको साथ मिलेगा, संपत्ति के रख रखाव में खर्च बढ़ सकते हैं, आत्मविश्वास से परिपूर्ण आज आप रहेंगे, पारिवारिक जीवन आज आपका सुखमय बना रहेगा, वाहन सुख की प्राप्ति आज हो सकती है, परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, संतान को स्वास्थ्य विकार आज जरूर रहेंगे, खर्चों में भी वृद्धि होगी, परिश्रम आज थोड़ा सा अत्यधिक करना पड़ेगा, शिक्षा के कार्यों में सफलता मिलेगी, नौकरी में जो है अफसरों से आज आपके मतभेद हो सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 29 अगस्त 2023 मंगलवार का दिन। तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं, मन आज आपका अशांत हो सकता है, आलस्य की अधिकता रहेगी, किसी संपत्ति से जो है आय के साधन बन सकते हैं, वाहन सुख में भी वृद्धि होगी, खर्चों में भी वृद्धि होगी, नौकरी में परिवर्तन की संभावना आज बन रही है, किसी दूसरे स्थान पर भी आज आपको जाना पड़ सकता है, भवन या संपत्ति से जो है आय के साधन आपके बनेंगे, अफसरों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आज आपको मिल सकती है और मित्रों का सहयोग मिलेगा, संतान सुख में वृद्धि होगी, परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 29 अगस्त 2023 रविवार मंगलवार का दिन। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, किसी मित्र के संयोग से नौकरी के अवसर आज आपको मिलेंगे, आय में वृद्धि होगी, परंतु यात्रा पे थोड़ा सा खर्च आपके बढ़ सकते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज आपको ध्यान रखना है, भागदौड़ आज आपकी बढ़ती हुई दिख रही है और परिवार के साथ यात्रा का कार्यक्रम भी आपका बन सकता है, लेखन के कार्यों में बौद्धिक कार्यों में आज थोड़ा सा व्यस्तता रहेगी, कार्यों के प्रति जोश और उत्साह में वृद्धि होगी, वाहनों के संयोग से कोई नया कारोबार भी आज आप शुरू कर सकते हैं जिससे आपको लाभ के अवसर भी मिलेंगे, नौकरी में जो है अफसरों से मतभेद आपके रहेंगे, आज जो है मन थोड़ा सा प्रसन्न आपका रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 29 अगस्त 2023 मंगलवार का दिन। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं, आज आप आत्मसंयमित रहेंगे, अपनी भावनाओं को वश में रखें, संतान के स्वास्थ्य का आज आपको ध्यान रखना है, नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होते हुए दिख रहे हैं, किसी मित्र का संयोग भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है, संतान के स्वास्थ्य का भी आपको रखना है ध्यान, रहन सहन थोड़ा सा अव्यवस्थित आपका हो सकता है, खर्च आपके अधिक होंगे और मन आज अशांत रहेगा, स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आपके आ सकता है, अनियोजित खर्च जो है उनमें वृद्धि होते हुए दिख रही है, आय से जो है व्यवधान हो सकते हैं, आय में थोड़ा सा व्यवधान आ सकते हैं, धैर्यशीलता में आज आपकी कमी रहेगी और कार्यभार में जो है आज वृद्धि के योग दिख रहे हैं। तो मेष राशि से लेके मीन राशि के जातकों का 29 अगस्त 2023 मंगलवार का राशिफल और मंगलवार 29 अगस्त 2023 के दैनिक पंचांग की जानकारी आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको अवगत कराई। तो आज का यह कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराइए, वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करेगा, अगर पहली बार जो हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक माँ भगवती आपके समस्त मनोरथों को समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।